जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्नैक सेवर YRY। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर यादव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्नैक सेवर YRY। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि कैमरामैन जितेंद्र के साथ आज हम लोग रेस्क्यू में निकले हुए हैं, खास करके पानी गिर रहा है और काफ़ी दिक्कत भरी रास्ते हैं। और देख सकते हैं रात का समय, अंधेरा इस समय। दोस्तों सेफ्टी पर रहें, ज़रूरी है, और हेलमेट ज़रूर पहन के चलाएं, ताकि रोड पे चलना खतरों से खाली नहीं है और सांप को पकड़ना खतरों से खाली नहीं है। तो बस दोस्तों, वीडियो पे आप लोग बने रहे, सांप बस सामने ही है। बोकारो जिला दुबदा बस्ती, चलो। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग दुबदा बस्ती पहुंच चुके हैं, ये बोकारो जिले के अंदर पड़ता है। और जैसा कि जो भैया जी है उनको सूचना देने पे हम लोग तत्काल पहुंचे हुए हैं, और देखते हैं कि कौन सा सांप है। आप लोग वीडियो पे बने रहें और इसी तरह देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन सा सांप है। कितना देरी में, मतलब कैसे देखा आपने, नजर कैसे पड़ा इनसे? आप उधर बाइक लेके आए ना? अच्छा अच्छा अच्छा, देखे तो पूरा लाइट था, देख रहे थे सांप। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये भैया जी है जो इनके यहाँ करीब करीब 3 बार हम लोग आ चुके हैं यहाँ सांप रेस्क्यू करने के लिए। और ख़ास करके यहाँ इसलिए सांप निकलता है दोस्तों, तो देख सकते हैं इस चारों तरफ जो है खेत है और खुला जगह होने की वजह से सांप जो है ईटा में होते हुए या फिर कहीं भी इस तरह से करके घर के आसपास में पहुँच जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सावधान रहें बरसात के समय में, खास करके जीव जंतु सरीसृप जो प्राणी है वो खास करके निकलना पसंद करते हैं और घरों की ओर अग्रसित होते हैं, क्योंकि जंगल की कटाई हो रही है, पेड़ पौधे लगाते नहीं लोग, इस वजह से इसमें कमी आने के वजह से सांपों का रहने का जगह छोटा हो जाने की वजह से, संकुचित हो जाने की वजह से सांप जो है घरों के आसपास आ जाते हैं। तो कोशिश करें कम से कम हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए अपने जीवन काल में, कोशिश करें हर साल एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और दोस्तों अभी हम लोग देख सकते हैं ये बैंडेड क्रेट, जिसको राज सांप के नाम से जाना जाता है, लोकल भाषा में राज सांप, बांग्ला में इसको शाखा मोती। और ये सांप काफ़ी हाईली वेनमस स्नेक होता है दोस्तों, और काफ़ी जहरीला सांप होता है ये, देख सकते हैं ये सांप काफ़ी डेंजर है और काफ़ी जहरीला सांप होता है ये। और इसको मारे हुए नहीं ना है? नहीं नहीं, इसका दोनों तरफ मुंह रहता है। नहीं तो देखिए, इस सांप में होता क्या है, जैसे आपने कहा कि इसमें मतलब दोनों साइड में होता है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें कहावतें हैं कि इसके पूंछ में कांटा होता है, ऐसा बताया जाता है। और ये सांप काफ़ी जहरीला है और अगर ये किसी को काट ले तो बहुत मुश्किल होता है बच पाना, क्योंकि इसका जहर ये तो जल्दी से न्यूरोटॉक्सिक होने के बाद और जल्दी से काटता भी नहीं है। लेकिन ये अगर उस सिचुएशन पे हमको नहीं रहना है, हमें कोशिश ये करना है दोस्तों कि जो सांप का बिहेवियर काटने वाला नहीं है वो क्यों ना वेनमस स्नेक हो। हमें अपने प्रोटेक्शन में सांपों को इजीली नहीं लेना चाहिए और कोशिश करें अपनी सेफ्टी में रहते हुए सांप को रेस्क्यू करें, सांप के बिहेवियर पर ना जाएं, क्योंकि सांप कभी भी धोखा दे सकता है। टाइम देता कि नहीं देता है सांप? कोई भी सांप यदि काटता है आपको, आपके पास 3 घंटा समय है, लेकिन हमारे पास 1 सेकेंड भी जरूरी, 1 सेकेंड का भी कीमत है उस समय। जब स्नेक बाइट हो जाए तो हमें 1 सेकेंड का भी मोल 3 घंटे के बराबर रखना चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब है 1-1 सेकेंड हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कोशिश करें जब स्नेक बाइट हो तो तत्काल आप हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल के अलावा कहीं इधर उधर ना जाएं। और ये सांप जो है इसको हम लोग को बचा लिए। ये खास करके बैंडेड क्रेट राज सांप जिसको बोला जाता है लोकल भाषा में, और इसको जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको एहराज सांप के नाम से जानते हैं। अंधविश्वास है इस सांप को लेकर के कि सांप के पूंछ में कांटा होता है, ये बहुत ही जहरीला सांप तो है ही, लेकिन जो इसको देख लेते हैं तो ये एक बार काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो बॉडी का कलर है काफ़ी सुंदर है, ब्लैक और येलो स्पॉट बना हुआ है। और देख सकते हैं इसका पूरी सुंदरता इसकी जो है सामने से काफ़ी लाइट मारता है, जैसे कि इसमें रेडियम लगा हो। दोस्तों जैसा कि सांप को अभी हम लोग रेस्क्यू कर लिया है,
अब इसको थैला में डाल दिया जाएगा और इसको रिलीज कर देंगे, फिर इसको पर्यावरण में मुक्त कर दिया जाएगा, सुरक्षित तरीके से इसको छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि ये अपना लाइफ और बेहतर तरीके से जी सके। इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है दोस्तों, फिर से बताना चाहेंगे, और इस सांप से काफ़ी लोगों में ये किसका अंधविश्वास है, अंधविश्वास को जरूर दूर रखें। तो तब तक के लिए दोस्तों, फिर से अब नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।